आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसके अंदर हम हैज और हैव का यूज करते हैं। इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, एक तो हैज और एक हैव। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है कि जैसे अभी कोई काम समाप्त हुआ है, जस्ट अभी, जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने पढ़ाई कर ली है, अभी रिसेंटली जो काम, मतलब क्लास मैंने क्लास ले ली है, हाँ, अभी जो रिसेंटली ही कोई काम खत्म हुआ है, अभी अभी, रिसेंटली मतलब अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है, जैसे मैंने खाना खा लिया, ले प्रेजेंट में खत्म हुआ है, यस, प्रेजेंट में रिसेंटली कोई काम खत्म हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। इसका मतलब वो लास्ट का जो वर्ड होता है वो होता है लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है, लिया है, लिया हूँ, इस तरह से लिया है। ठीक है, ये इसका लास्ट में ये आना चाहिए। इसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज तो हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ और हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ। देखो, हैव प्लूरल के साथ लगेगा, वी के साथ, हैज सिंगुलर के साथ लगेगा, ही के साथ। और वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड। लर्न मतलब याद करना होता है, तो लर्न, 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 ठीक है। यहाँ पे सी हैव लगता है प्लूरल के साथ और हैज लगता है सिंगुलर के साथ। हाँ, हैज लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ, सही है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, बस यही है इसके अंदर। इसमें मेन यही चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे नंबर वन चीज ध्यान में रखनी है कि इस टेंस की पहचान होती है कि लिया है, अंत में लिया है, लिया है, इस तरह से कुछ आएगा, लिया है, लिए है, मतलब खाना खा लिया है, ठीक है, लास्ट में लिया है आना चाहिए। दूसरी चीज याद रखनी है कि इसमें हैज और हैव का यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। तीसरी चीज याद रखनी है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, बस ये तीन चीजें ध्यान में रखनी, ठीक है। बाकी ये तो बनाना तो आता ही है अपन को, पहले सब्जेक्ट लिख दो, फिर हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब ये हैज और हैव है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दो, वहां पे पहले कॉन्टिन्यूस में इज एम आर थे हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले डू डस थे, इसमें हैज और हैव। अब इसके कुछ सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, मतलब मैं, आई, पहले सब्जेक्ट आ गया ना, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, आई के साथ हैव लगेगा तो हैव आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैव लर्नड, फिर ऑब्जेक्ट, बॉट एट द शू स्टोर, मैंने जूतों की दुकान में बहुत कुछ सीखा है। तो इसको कैसे लिखा है, आई हैव लर्नड अ लॉट एट द शू स्टोर। हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं, तो पहले सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ये लिखा ना सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये इसकी स्ट्रक्चर है सेंटेंस की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट वी, वी के साथ आएगा हैव, वी हैव सीन दैट जू, उसने अपने अच्छे दाएं हाथ में विश्वास रखा है, ही हैज बिलीव्ड इन हिज गुड राइट हैंड। रूल्स देख लेते हैं, वही रूल है जो मैंने बताया। सहायक क्रिया हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज का प्रयोग तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होगा, ठीक है, और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होगा। वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये भी बोलते हैं इनको। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म। तो वही तीन, वही चीजें याद रखनी है, हैज हैव का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये रूल तो यही याद रखना है मेन इसमें, ठीक है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नॉट लगाना है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इससे पहले नॉट लगा दो। जैसे हंसनी रानी ने वृद्ध दंपति को नुकसान नहीं पहुंचाया है, द स्वान क्यून क्वीन हैज नॉट, अब क्वीन सिंगुलर है तो हैज लगा, हैज नॉट हार्म्ड द ओल्ड कपल, तो नॉट यहाँ लगा दो, बस नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। कपल क्या
कपल मीन्स कपल मीन्स होता है जोड़ा, कपल मतलब जोड़ा, जैसे लड़का लड़की होते हैं ना दोनों, तो कपल, उसको कपल बोलते हैं। कपल के अंदर अलग अलग चीजें आएंगी, जैसे एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, जैसे मैरिड कपल, ओल्ड कपल मतलब बूढ़े बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ, ठीक है, तो ओल्ड कपल मतलब आदमी और उसकी वाइफ, इनको कपल बोला जाता है। अगर हम पेयर बोलते हैं, पेयर, पेयर और कपल में डिफरेंस बता रही हूँ मैं। जोड़ा हाँ, कपल क्या होता है, जोड़ा होता है। पेयर में क्या सेम होते हैं दोनों, पेयर में सेम? पेयर में दोनों यस, पेयर में दोनों सेम होंगे और कपल में अलग अलग होते हैं, एक लड़का हो गया एक लड़की होगी तो हम उसको बोलेंगे कपल, ठीक है। पेयर के अंदर सेम होंगे, दोनों लड़के ही होंगे या फिर दोनों लड़कियां ही होंगी, कुछ भी दो चीज जो सेम हो वो पेयर कहलाता है, और कपल में एक लड़का लड़की है। आगे चलते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इसके? इंटरोगेटिव भी बहुत सिंपल है, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो, जो हैज और हैव है उसको पहले रख दो, सब्जेक्ट से पहले, बस हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। क्या आपने अपने पाठ याद कर लिए हैं? हैव यू लर्न्ड योर लेसन्स? और डब्ल्यू एच वाले वर्ड से स्टार्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच रख दो। हाउ हैज द कैमल गॉट इट्स हम्प? हम्प मतलब उसके जो ऊपर का वो होता है ना, उठा हुआ जो होता है उसको हम्प बोलते हैं। ऊंट को अपना हम्प कैसे प्राप्त है? हम्प मतलब उसकी जो पीठ है, उसकी पीठ के ऊपर वो कूबड़ ऊपर ऐसे ऊपर हो रहा था ना, उसको हम्प कहा जाता है, तो ऊंट को हम्प कैसे मिले। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, इसके अंदर हैव नॉट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे नॉट लगा दो। जैसे हैज नॉट डॉक्टर पी के सेठी गिवन जयपुर फूड, व्हाई हैवंट यू ड्रंक मिनरल वाटर, तो ये तो अपन बना लेंगे, ये सब तो बहुत इजी है कि बनाना कैसे इनको, ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। मेन हमें ये ध्यान में रखना है यूजेस, क्योंकि एग्जाम में हमें एक तो ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज और हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और इसमें जो रिसेंटली काम खत्म हुआ है उसके लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। इसके यूजेस मेन है, एक ये चीज ध्यान रखनी है और एक यूजेस, क्योंकि एग्जाम में अपन को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो जो इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे ये इसके यूजेस है सारे, बस ये इतने ही है, फाइव यूजेस है टोटल, इसके फाइव यूजेस है, इसके जस्ट बाद एक्सरसाइज आ जाएगी, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो यूज With an action completed in the recent past, and recent past मतलब अभी पूरा हुआ है, जो ऐसे कार्य के साथ जो पूरा हो चुका है, ठीक है, खाना में खाना खा चुका हूं या खा लिया है, ठीक है, लिया है चुका हूं, दोनों के साथ हुआ, and has its effect in the present और उसका प्रभाव present में भी हो, ऐसे कार्य के साथ जो पूरा हो चुका है और वर्तमान में इसका प्रभाव है, वर्तमान में भी इसका प्रभाव है, जो कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में भी इसका प्रभाव है, तो इस तरीके के मतलब जो रीसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ, ये ध्यान रखना है फर्स्ट चीज, विद एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट एंड हैज इफेक्ट इन द प्रेजेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रीसेंट पास्ट में कैसे, जैसे मैंने बता ही दिया मैंने खाना खा लिया, जैसे मैंने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया है, मतलब कर लिया है पाठ, इसने याद कर लिया, री अभी खत्म हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया काम इसका, तो आई हैव ऑलरेडी लर्नड माय लेसन, वर्तमान प्रभाव, अब मुझे पाठ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका इफेक्ट क्या है प्रेजेंट के अंदर, कि मैंने याद कर लिया है, अब मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है मुझे इसको याद करने की, तो इसका प्रेजेंट इफेक्ट ये हुआ। इसने लिखा है ना कि रीसेंट पास्ट में कंप्लीट होगा और उसका कुछ प्रेजेंट इफेक्ट होगा। सेकंड और थर्ड तुम पढ़ो तो सौरभ। वह सोमवार से कक्षा में उपलब्ध नहीं है, नहीं हुआ नहीं है। हुआ है, ये सेकंड वाला छोड़, ये देखो, बिश्नोइयों ने लंबे समय से हरे वृक्षों की रक्षा की है, तो बिश्नोईज हैव प्रोटेक्टेड ग्रीन की है, देखो उन्होंने रक्षा की है,
have protected green trees for a long time. तो ये सारे sentences present perfect के हैं ये. वह सोमवार से कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है. He has not attended classes since Monday. मैम उसने है ना काम कर भी लिया और अभी भी वो है ना उसका चल रहा है. हाँ काम काम तो कर लिया है बट उसका अभी इफेक्ट है. हाँ ठीक है तो आगे चलते हैं. कहाँ थे हम? He has not attended class since morning. ठीक है एक तो ये यूज फर्स्ट यूज ध्यान में रखना है कि विद एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट. जो रीसेंट पास्ट में एक्शन जो कोई कार्य है अभी कंप्लीट हुआ है. ठीक है कंप्लीट हो चुका है सौरभ. ठीक है रीसेंट पास्ट अभी रिसेंटली खत्म हुआ है और उसका प्रेजेंट में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट है. दूसरा हमें याद रखना है, टोटल फाइव ध्यान में रखना है बस इतना. दूसरा हमें याद रखना है इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम व्हेन द मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस. हाँ इसका भी ध्यान में रखना है. देखो मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगा. जब मुख्य क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में इस टेंस का यूज करें. जैसे देखो We shall stay here till the teacher has returned. अब ये क्या है? ये future tense है. यहाँ पे ये आ गया future. जैसे इसमें समझाते हो अच्छे second वाले में पहले फिर first समझाऊंगी. देखो चलो first ही समझ लो. We shall stay here. Shall आ गया. ये इसका मतलब ये future tense है. तो हमें यहाँ रुकना चाहिए. हम यहाँ तब तक रुकेंगे जब तक कि शिक्षक वापस न आ जाए. तो ये हमारा है यहाँ तक. We shall stay here. हम ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस. अब ये जो है ये है हमारा टाइम क्लॉज. क्लॉज ऑफ टाइम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ये है हमारा. टिल द टीचर हैज रिटर्न. टाइम मतलब कुछ टाइम दे दिया जाए कि जब तक टीचर नहीं आ जाती है ना. क्लॉज क्या हो गया? क्लॉज सेंटेंस का पार्ट ही होता है. जो क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट ही है. फ्रेजेस और क्लॉजेस में अलग से क्लास लूंगी उसमें पढ़ाऊंगी फ्रेज और क्लॉज टू. तो क्लॉज क्या होता है? ये सेंटेंस का ही हिस्सा होता है. सेंटेंस का ही पार्ट होता है. जैसे ये क्लॉज हो गया टिल द टीचर हैज रिटर्न. तो वी शैल स्टे हियर. हमें यहाँ हम यहाँ तब तक रुकेंगे जब तक टीचर नहीं आ जाती. तो यहाँ पे अगर फ्यूचर टेंस है तो इसके साथ भी आएगा. अगर टाइम क्लॉज है तो जो टाइम क्लॉज है वो इसमें बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट. इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम व्हेन द मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस. जब मुख्य क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में इस टेंस का यूज करें. जब ये वाला क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, ये जो मेन क्लॉज है कि वी शैल स्टे हियर, हम यहाँ पे रुकेंगे, तो ये वाला जो होगा ये किसमें आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. टिल द टीचर हैज रिटर्न्ड. हैज लगा है ना यहाँ पे, टीचर हैज रिटर्न्ड. तो ये जो टाइम क्लॉज है ये इसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में. ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर के साथ में जो ये टाइम क्लॉज अगर आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. व्हेन द हीट हैज लेसेंड आई शैल गो आउट. मैं बाहर जाऊंगा. जब गर्मी कम हो जाएगी तो मैं बाहर जाऊंगा. तो ये तो हमारा हो गया फ्यूचर टेंस. आई शैल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस हो गया. और ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टाइम क्लॉज कि कब जाऊंगा. ये टाइम को ये बता रहा ना कि जब गर्मी कम हो जाएगी तो जाऊंगा. तो मैं बाहर जाऊंगा ये तो नॉर्मल मेन क्लॉज हो गया हमारा कि मैं बाहर जाऊंगा. तो ये आई शैल गो आउट, लेकिन कब जाऊंगा ये हमारी क्या होगी? मतलब ये टाइम क्लॉज है, क्लॉज ऑफ टाइम है ये कि कब जाऊंगा? जब गर्मी कम होगी. व्हेन द हीट हैज लेसेंड. लेसेंड का मतलब कम के लिए हम यूज करते हैं. लेसन मतलब कम. तो सेकेंड इसको ध्यान में रखना है अच्छे से. थर्ड ध्यान में रखना है विद रिपीटेड एक्शंस. बारंबार वाले कार्य में रिपीटेड एक्शंस. जैसे कि हम उदयपुर की यात्रा अनेक बार कर चुके हैं तो वी हैव विजिटेड उदयपुर लॉट्स ऑफ टाइम. ठीक है तो रिपीटेड एक्शन के साथ लगा लेना. टू डिनोट कोई स्टेट. स्टेट मतलब कोई भी स्थिति बताने के लिए. जैसे कोई स्थिति कैसे? जैसे मैं आपके बारे में हमेशा जानता रहा हूँ. आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट यू. कोई भी स्टेट को बताना, किसी भी स्थिति को बताना. फिफ्थ यूज है इसका विद सिंस एंड फॉर.
सिंस व फॉर के साथ. देखो सिंस कहाँ यूज करते हैं हम, सिंस जब एग्जैक्ट टाइम दिया गया होता है हमें, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम दिया है कि वो सुबह 10 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 10 इन द मॉर्निंग. और फॉर लगता है कि 10 घंटे से पढ़ रहा है वो, कौन से 10 घंटे हैं, 1 बजे से 10 बजे तक पढ़ रहा है, 2 बजे से 11 बजे तक पढ़ रहा है, मतलब कौन से 10 घंटे वो पढ़ाई कर रहा है. ठीक है, तो ये हमें पता नहीं है. तो सिंस हम हमेशा लगाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे, मैं इस स्कूल में 1942 से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव 1942 से मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो ये उसमें चला जाएगा, दूसरे वाले में चला जाएगा. I have been studying in this school since 1947. तो मैं ये since और for का use बता रही हूँ सिर्फ. Since कहाँ लगाते हैं? Exact point of time के लिए. और for कहाँ लगाते हैं? Period of time के लिए. देखो जैसे अगर तुम्हें टाइम दे दिया हो कि वो 10 बजे से पढ़ रही है, या वो 11 बजे से पढ़ाई कर रही है, या फिर वो 1942 से इस स्कूल में पढ़ रही है, या फिर वो 19 कोई भी ईयर का नाम दे दिया, या कोई भी, तो सिंस लगाना है. फॉर लगाना है कि वो दो साल से इस स्कूल में पढ़ रही है, तो फॉर लगेगा. ठीक है, वो 10 घंटे से पढ़ रही है, तो फॉर. कौन से दो साल से पढ़ रही है, कौन से, मतलब 2001 से 2003, कौन से टू इयर्स, एग्जैक्ट नहीं दे रखे. तो पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस लगाना है. पीरियड ऑफ टाइम की एग्जैक्ट कोई टाइम ही नहीं दे रखा है, कौन से दो घंटे, कौन से दो साल, कि दो सालों से पढ़ रही है, कौन से दो सालों से पढ़ रही है, 2002 में चालू करा, कब चालू करा, तो फॉर लगाना है. कुछ ढंग से नहीं दिया हो तो फॉर, और एग्जैक्ट दिया हो टाइम तो सिंस लगाना है. बस इतना सा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस और फॉर इसका ध्यान रखना अच्छे से. तो मैं 10 घंटे पढ़ चुका हूँ, जैसे इस तरीके के, मैं 10 घंटे पढ़ चुका हूँ. आई हैव स्टडीड फॉर 10 आवर्स. जैसे मम्मी ने बोला कि और थोड़ा सा और पढ़ ले, तो तुम कहोगे कि मम्मी मैं 10 घंटे पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर 10 आवर्स. मैं सुबह 10 बजे से खेलता रह चुका हूँ, अब 3 बजे बज चुके, तो आई हैव प्लेड सिंस 10 इन द मॉर्निंग, कि मैं मतलब सुबह 10 बजे से खेल चुका हूँ, 10 बजे से खेलता रह चुका हूँ. तो ये कुछ ध्यान में रखने हैं इसके यूजेस. अब एक्सरसाइज करते हैं, अब हम करेंगे एक्सरसाइज. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट. ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म्स दे रखी हैं ब्रैकेट के अंदर, हमें यहाँ पे लिखनी है. तो अब तुम रीड करो, तो तुम रीड करो और तुम ये प्लेन करो, बताओ क्या आएगा इसमें. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी. हैज और हैव का यूज करना है. समवन हैज इनफॉर्मड, समवन हैज इनफॉर्मड हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी. समवन हैज इनफॉर्मड हिम टू रिपोर्ट फॉर द ड्यूटी. समवन के साथ हैज आएगा, समवन सिंगुलर है. किसी ने उसे इन्फॉर्म किया उसकी ड्यूटी के लिए, मतलब समवन हैज इन्फॉर्म्ड हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, मतलब किसी ने उसे इन्फॉर्म किया कि वो ड्यूटी पे आ जाए. ठीक है, टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, ड्यूटी पे रिपोर्ट दे, ड्यूटी पे आ जाए. तो ये क्या है, अभी रिसेंट में खत्म हुआ है ना, किसी ने उसको इन्फॉर्म किया. जैसे मैम कहेंगी किसी ने उसको इन्फॉर्म किया, मतलब कोई कह रहा है कि किसी ने उसको इन्फॉर्म किया कि उसकी ड्यूटी चालू है, 9 बजे से उसकी ड्यूटी है. तो हम कह रहे हैं कि हाँ, समवन हैज इन्फॉर्म्ड हिम, मतलब किसी ने इन्फॉर्म किया है उसे ड्यूटी के लिए. मतलब ये इस रीसेंट पास्ट में पूरा हुआ है ये वाला काम. नेक्स्ट वाला रीड. You have met already. You have already met her. ठीक है, इसके अंदर सौरभ ध्यान रखना है, तुम उससे ऑलरेडी मिल चुके हो. मीट की फॉर्म मैट होती है, बहुत अच्छे. मीट मैट मैट. ठीक है, तो हैव मैट मतलब
ऑलरेडी एडवर्ब है अतः अक्सर इस टेंस का यूज करते हैं. इसमें ये ध्यान रखना कि ऑलरेडी के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं अक्सर, हमेशा नहीं लेकिन मतलब मोस्टली हम ऑलरेडी, अगर आ जाएगा कि मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया, मैंने पढ़ाई कर ली है, तो इस वाले सेंटेंस में ही हम मतलब इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम ऑलरेडी का यूज करते हैं मोस्टली, हमेशा के लिए नहीं. तो इस वजह से इसमें ये वाला टेंस लगा. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो. You ever have raided? You ever have read बोलते हैं इसको, read, 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 read. ठीक है, रेड बोलते हैं लेकिन लिखा यही जाता है. हाँ, लिखा यही जाता है, बोलते रेड. तो यू एवर हैव रेड, अब एवर एडवर्ब के साथ अक्सर इस टेंस का यूज करते हैं. एवर भी हमारा एडवर्ब है. देखो सौरभ, ऑलरेडी भी हमारा एडवर्ब हुआ. एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो वर्ब के बारे में हमें बताता है. तो देखो यहाँ पे क्या आया, मैट आए. मैट हमारा वर्ब हो गया, मैट मतलब मिलना. यहाँ पे हैव आएगा हमारा, एच ए वी ई, एच ए वी ई, यहाँ पे हैव आया. तो मैट का मतलब होता है मिलना. मैट क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, वर्ब मतलब क्रिया. मैट की, मैट को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब मैट को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड, मतलब मैट में कुछ एडिशन कर रहा है कि मैं ऑलरेडी मिल चुका हूं. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा सीधा, सही से एडवर्ब. ये हमारा हो गया एडवर्ब. मैट मतलब मिलना, मिलना हमारी होगी क्रिया, काम, वर्ब, वर्ब हो गया ये. और वर्ब के बारे में ये बता रहे हैं, वर्ब के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना या वर्ब को क्वालिफाई करना या वर्ब को डिस्क्राइब करना, कुछ भी करो, वर्ब के बारे में बता, तो वो एडवर्ब होता है. तो ऑलरेडी हमारा एडवर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब है, तो यहाँ पे हम इसी टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. यहाँ पे एवर एडवर्ब है. You ever have read, तो read मतलब हमारा पढ़ना हो गया, ये भी हमारा एडवर्ब है, तो इसके साथ भी हम इसी का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे इसके साथ. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो. सॉरी, शी हैज टेकन 4 cups ऑफ टी सो फार. शी हैज टेकन 4 cups ऑफ टी सो फार, बहुत अच्छे. सो फार एडवर्ब के साथ अक्सर इस टेंस का यूज करते हैं, इसमें भी यही है. मतलब ये समझ लो, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है कि सो फार के साथ भी हम इसी का यूज करेंगे. She has taken 4 cups ऑफ टी सो फार, मतलब वो 4 cup टी के मतलब पी चुकी है, 4 cup टी के पी चुकी है सो फार, अभी तक वो 4 cup पी चुकी है चाय के. तो सो फार एक एडवर्ब है, सो वर्ब एक एडवर्ब है, इसके साथ इसी टेंस का यूज करते हैं. फिफ्थ पढ़ो. What is the means of so far in this sentence? So far मतलब यहाँ पे ये होगा कि she has taken 4 cups of tea so far, मतलब अभी तक वो, अभी तक होगा इसका मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस. वैसे भी देख लेते हैं, यहाँ से भी दिखा देते हैं. अभी तक, until now, मतलब अभी तक वो 4 cup पी चुकी है. जैसे वो कह रही होगी कि मुझे एक और कप दो, तो उसको हम कह रहे हैं कि वो 4 cup पी चुकी है ऑलरेडी और एक और कप मांग रही है अभी चाय का. ऐसे बोलते हैं ना अपन कि 4 cup ऑलरेडी पी चुकी है. अंटिल नाउ मतलब अभी तक वो 4 cup पी चुकी है. सो फार द वेदर हैज बीन गुड बट इट माइट चेंज, मतलब अभी तक तो वेदर क्या है, गुड है, अच्छा है वेदर, बट ये चेंज हो सकता है, इट माइट चेंज, चेंज भी हो सकता है. अभी तक तो अच्छा है, वो कहते हैं ना चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, तो बोलते हैं अभी वेदर कैसा हो रखा है, तो बोल अभी तक तो अच्छा है लेकिन चेंज भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है. तो यहाँ पे सो फार का मतलब अभी तक है. He has taken 4 cups of tea so far. अभी तक वो 4 cup कॉफी पी चुकी है. तो ये जो so far है, तो इसमें भी हम इसी का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को. आगे पढ़ो, नेक्स्ट.
आई सी यू जस्ट हैव योर हेयर कट. आई सी यू जस्ट हैव योर हेयर कट. हैव हैड आएगा इसके अंदर. इसके अंदर देखो सारो क्या होगा. इसके अंदर आई सी यू जस्ट हैव हैड योर हेयर कट. देखो यहाँ पे आए है. एक मिनट रुकना सुन. हाँ तो देखो क्या बता रही थी मैं. इसके थे यहाँ पे. हाँ आई सी यू जस्ट हैव. एक बात देखो सौरभ. जस्ट हैव हैड योर हेयर कट. आए है तो आए के साथ हम हैव का यूज करेंगे. हैज का तो यूज करेंगे नहीं. ठीक है यहाँ पे जस्ट आता है ना. ये इन वर्ड्स को ध्यान रखो सबसे पहले को. जैसे अगर ऑलरेडी आ गया या फिर जस्ट आ गया तो जस्ट अपन ये इसीलिए तो यूज करते हैं. मैंने अभी जस्ट मम्मी अभी तो पढ़ाई करी है. जस्ट मैंने पढ़ाई कर ली है. तो जस्ट हम जब जस्ट यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा. ये मतलब ध्यान में रखना है. ऑलरेडी भी प्रेजेंट परफेक्ट है. हमेशा नहीं कह रही मैं कि 100% प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे बट मोस्टली ज्यादातर ये वर्ड्स आते हैं ऑलरेडी तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है कि मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है. प्रेजेंट परफेक्ट में इनका ज्यादा यूज किया जाता है. जस्ट का भी प्रेजेंट परफेक्ट है कि मैंने जस्ट अभी खत्म करी है. अभी जस्ट मैंने आइसक्रीम खत्म करी है मुझे और नहीं चाहिए. ठीक है तो जस्ट इस तरह के वर्ड्स आते हैं. सो फार भी आ गया तो जस्ट और ऑलरेडी का तो ध्यान रखना है मेन. अब इसमें देखो आए के साथ हम हैव का यूज करते हैं. इसके अंदर हैव और हैड आएगा. यहाँ पे आंसर आएगा हमारा क्यों आएगा ये भी बताती हूँ कि ऑलरेडी है. सॉरी आई आई सी यू जस्ट हैव आएगा पहले तो और फिर यहाँ पे आएगा हैड. हैव और हैड योर हेयर कट. अब ये क्यों आएगा मैं ये समझाऊंगी. देखो I see you just have had your hair cut. अब I के साथ हम has का तो use करेंगे नहीं. I के साथ हम have का use करेंगे तो इसलिए have आया क्योंकि present perfect है. Present perfect tense है ये वाला sentence. तो I see you just have had क्या आएगा third form क्योंकि have के साथ हमें क्या लगानी third form लगाते हैं. जैसे यहाँ पे देखो she has taken. इसकी थर्ड फॉर्म लगाई ना तुमने टेक की थर्ड फॉर्म टेकन. यहाँ भी हैव की थर्ड फॉर्म लगानी होगी. थर्ड फॉर्म हैड होगी इसकी. हैव हैड हैड तो हैव मतलब लेना कि मतलब प्लीज हैव अ कप ऑफ चाय का मतलब प्याला ले लीजिए. ठीक है हैव मतलब लेना भी होता है और हैव अपनी हेल्पिंग वर्ब भी होती है. इसके दो मीनिंग हो गए. एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हैव का मतलब होता है कि जैसे अपन बोलते हैं ना प्लीज हैव फूड कृपया खाना लीजिए. ठीक है लेना मतलब प्लीज हैव आइसक्रीम प्लीज हैव अ कप ऑफ टी प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है तो हैव का मतलब लेना भी होता है कि कृपया एक पानी का ग्लास ले लीजिए इस तरीके से. तो यहाँ पे हैव का मतलब है लेना. तो इसने उसकी तुमने हेयर कट लिया है तो यहाँ हमें लिखना है आई सी यू जस्ट हैव हैड योर हेयर कट. हैव तो लगेगा हैव के साथ में लगेगी थर्ड फॉर्म वर्ब की. थर्ड फॉर्म वर्ब ये है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी हैड होगी. इसकी थर्ड हैव की थर्ड फॉर्म होगी हैड. तो आई सी यू जस्ट हैव हैड योर हेयर कट. ठीक है तो हैव और हैड यहाँ साथ में लगेगा. हैव पहले वाला हैव तो हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किया है. दूसरे वाला जो हैड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए यूज किया गया है. समझ में आ गया सौरभ. यस मैम. ठीक है नेक्स्ट पढ़ो नेक्स्ट रीड करो. सिक्स्थ वाला रीड करो. शी ऑलरेडी हैव रिंग रिंग
रिंग का मतलब बजाना, बैल को बजाना, ठीक है। रिंग, रैंग, आर आई एन जी फर्स्ट फॉर्म होती है, आर ए एन जी सेकेंड फॉर्म होती है। इनको साथ दिमाग में बिठाते ज्वाइंट को, या तो कहीं लिख लो या फिर माइंड में बिठा लो डायरेक्ट। आर आई एन जी रिंग मतलब बजाना, रिंग मतलब बैल को बजाना, ठीक है। तो रिंग फर्स्ट फॉर्म, आर ए एन जी सेकेंड फॉर्म होती है रैंग, और रंग आर यू एन जी रंग हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। शी के साथ हैव कैसे आया सौरभ, हैज आएगा, वापस बताओ क्या होगा, है, वापस she से कर। already has ring, रंग the bell twice. शी ऑलरेडी हैज, क्योंकि शी है तो हैज आएगा, सिंगुलर है। शी ऑलरेडी हैज रंग द बैल ट्वाइस, वो ऑलरेडी बैल को 2 बार बजा चुकी है, इसका मतलब ये है हिंदी में। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका मतलब ऑलरेडी आ गया, मतलब ये एडवर्ब है, ऑलरेडी बजा चुकी है, ऑलरेडी बजा चुकी है, मतलब रिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, रिंग के लिए अपन ने यूज किया ये ऑलरेडी, कि ऑलरेडी रंग कर चुकी है बैल को। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। सेवन्थ, आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे. सिंस मंडे, आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे, ठीक है, मतलब मंडे से मैंने उसे नहीं, तो इसका क्या, नहीं देखा है, हाँ, तो मैंने उसे मंडे से नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे। सी की फॉर्म भी ध्यान रखो, सी मतलब देखना, सी सॉ सीन, ठीक है, ये तीनों इसकी फॉर्म्स होती है। इसमें देखो सौरभ, सिंस प्लस टाइम है वह रीसेंट पास्ट का कार्य है, सिंस प्लस टाइम आ जाता है ना, तो इसमें भी हम इसी का यूज करेंगे, सिंस प्लस टाइम और रीसेंट में खत्म हुआ है, कि आई हैव नॉट सीन हर, मैं मतलब मैंने उसे नहीं देखा है, सिंस मंडे, मंडे से मैंने उसे नहीं देखा है, ठीक है, नहीं देखा है मतलब तो काम खत्म हो चुका है, कि मैंने उसे नहीं देखा है मंडे से। तो इस तरह के सेंटेंस भी हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होंगे। एट्थ वाला रीड करो। अनु हैज नॉट रिटर्न रिटर्न रिटर्न्ड फ्रॉम अजमेर येट. अनु हैज नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम अजमेर येट, येट मतलब अभी तक, अभी तक अनु अजमेर से नहीं आई है, येट मतलब होता है तब जब तक, इस तरह से होता है, अभी तक के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, अभी अभी, ये बहुत सारे हैं, ये रहा देखो, तब, अब, अभी तक, अब तक, इन सब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। येट मतलब अभी तक, ध्यान रख लो, चलो एक ध्यान रख लो, अभी तक। हैज इट स्टॉप्ड रनिंग येट, हाँ, Until टिल मतलब होता है जब तक, कि जब तक, टिल द टीचर हैज कम, रुको इसका भी दिखा देते हैं, टिल मतलब होता है जब तक, येट का लिख लो अभी तक, टिल मतलब जब तक ये नहीं हो जाता, मशीन और ड्रॉअर में। हाँ, टिल मतलब ये जब तक, अंटिल, अंटिल का देख लो चलो, अप टू द पॉइंट इन टाइम और इवेंट मेंशन, टिल मतलब जब तक ही होता है हिंदी में, भी यहां से भी दिखा रही हूँ। Until और ये दोनों एक ही है, एक ही मीनिंग होते हैं। The time or the event mentioned, तो मेरा घर तक होता है, till का मतलब तक, ध्यान रखो, तो जब तक, 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 ठीक है, till मतलब तक होता है, जैसे जब तक मैं नहीं आ जाती, till he does not return, ठीक है। नेक्स्ट रीड करो सौरभ।
नीतू इज लुकिंग फॉर मशरूम्स बट शी हैज नॉट फाउंड एनी. फाउंड एनी, फाइंड, फाउंड, फाउंड. ठीक है, तो नीतू इज लुकिंग फॉर मशरूम्स. नीतू मशरूम्स के लिए मतलब मशरूम्स ढूंढ रही है, बट शी हैज नॉट फाउंड एनी, लेकिन उसे कुछ एक भी मशरूम नहीं मिला है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो मशरूम देख रही है लेकिन उसे एक भी मशरूम नहीं मिला है. इसके अंदर देखो बट कंजंक्शन है वह रीसेंट पास्ट का कार्य. ये तो हमारा कंजंक्शन हो गया, बट एंड ये सब कंजंक्शन होते हैं. ये रीसेंट पास्ट का काम है कि उसे नहीं मिला है, वो ढूंढ रही है लेकिन उसे अभी तक नहीं मिला है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लास्ट रीड करो टेंथ. वी आर टायर्ड, वी हैव वॉक्ड 10 kilometers. वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं, और वी हैव वॉक्ड 10 kilometers, मतलब हम 10 kilometer तक चल चुके हैं. तो ये भी रिसेंट पास्ट का एक्शन है कि हम 10 kilometer तक चल चुके हैं, और इसका इफेक्ट भी बता रहा है कि हम इसलिए हम थके हुए हैं. वी आर टायर्ड, वी हैव वॉक्ड फॉर 10 kilometers. 10 kilometers तक हम आईएनजी लगता है ना, फिर इसमें थर्ड फॉर्म की लगी इसकी. इसमें तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी. वी आर कहाँ लिखा है, वी हैव आएगा ना, वी हैव वॉक्ड आएगा. आर बोला क्या फर्स्ट में, हम आगे. अच्छा, वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं. नहीं सौरभ, ये ऐसे भी बोल देते हैं. टेंसेस का सारे मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना उसमें पूरे में नहीं यूज होता है कि हर जगह टेंस का यूज करके ही बोलना है, बिना टेंस का यूज करके तो ऐसा नहीं होता है. वी आर टायर्ड भी करेक्ट है, ऐसे भी बोला जाता है. बट ये कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि इज एम आर के साथ हमें आई एन जी लगाना है, बट ये इस तरीके से भी बोला जाता है. और भी काफी चीजें होती है. टेंस तो बहुत छोटा पार्ट है इंग्लिश का. अब हम पढ़ेंगे ये फोर्थ वाला. ठीक है, ये लास्ट है, बस ये लास्ट करेंगे आज हम. फिर कल से हम पास्ट टेंस करेंगे, प्रेजेंट खत्म हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, प्रोग्रेसिव कह लो या कॉन्टिन्यूस कह लो, ये लास्ट टेंस है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये ध्यान रखना है, इसमें हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके साथ आई एन जी आएगा. ये देखो हैज बीन, हैव बीन, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. तो इसमें तीन चीजें ध्यान रखनी है. एक तो कि वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, रहा है, रही है, ये आएगा लास्ट में इसमें. ठीक है, कि वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, और टाइम कब से, टाइम के स्टार्ट होने का समय दिया होगा कि वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, वो 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है. मतलब जो हमारा काम है, जो हमारा एक्शन है, वो कब स्टार्ट हुआ है वो दिया होगा. एक्शन स्टार्ट होने का टाइम दिया जाएगा कि इस समय एक्शन स्टार्ट हुआ है, वो सुबह से पढ़ रहा है, वो 5 बजे से खेल रहा है, वो ठीक है, मतलब कब से खेल रहा है ये दिया हुआ है. और लास्ट में आएगा रहा है, रही है, ये इसकी पहचान है. इसमें हम यूज किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं. दूसरी ये चीज ध्यान रखनी है. तीसरी चीज ध्यान रखनी है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया जाता है. थर्ड, बस ये तीन चीजें ध्यान रखनी है. और इसमें सिंस और फॉर का यूज होगा. फोर्थ रूल इसका ये. ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मेन यही बातें ध्यान रखनी है बस. अब पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब साधारण वाक्य. तो इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, सब की तरह ये भी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर आएगा, और फिर टाइम दिया, जो भी मतलब कितने बजे से काम हो रहा है वो दिया जाएगा. वह बचपन से सितार बजा रही है. अब देखो स्टार्ट, मतलब काम के स्टार्ट होने का टाइम दे रखा है कि वो बचपन से बजा रही है सितार. शी हैज बीन प्लेइंग सितार, तो हैज बीन लगेगा. सिंस चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड के साथ अभी भी बजाती है. हाँ, अभी भी बजाती है, बचपन से बजाती आ रही. ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं. नेक्स्ट देखो, वे वर्षों से संगीत को स्मृद कर रहे हैं. स्मृद करना मतलब उसको बढ़ाना. ठीक है, दे हैव बीन एनरिचिंग म्यूजिक फॉर इयर्स, वर्षों से कर रहे हैं.
तो फॉर आएगा यहाँ पे कि कितने कौन से वर्षों से कर रहे हैं ये नहीं बता रखा कि 1942 से कर रहे हैं, तो फॉर लगाना है बस, ज्यादा एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया तो फॉर लगा देना है, ठीक है। तो ये इसके अफर्मेटिव, इसके रूल्स, हमेशा क्रिया की आईएनजी फॉर्म का यूज करें, आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना है इसमें हमेशा। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज तो सिंगुलर के साथ करना है, और हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करना है, आई को हमेशा प्लूरल मानना है, ये ध्यान रखना। प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ करें, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित कोई समय दिया गया हो, जैसे कि 3 बजे से पढ़ रहा है, मंडे से पढ़ रहा, 10 मार्च से पढ़ रहा है, जुलाई से पढ़ रहा है, 1990 से पढ़ रहा है, मतलब किसी महीने का नाम दिया गया हो, या दिन दिन व तारीख दी गई हो, या दिन या का नाम दिया गया हो, या घड़ी का समय, या कोई सन दिया गया, तो इन सब के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। ये ध्यान रख लो सिंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कोई भी एग्जैक्ट टाइम, 3 बजे से पढ़ रहा है, मंडे से पढ़ रहा है, 10 मार्च से पढ़ रहा है, वो जुलाई से पढ़ रहा है, वो 1990 से पढ़ाई कर रहा है, वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है, वो इवनिंग से पढ़ रहा है, नाइट सिंस लास्ट नाइट, तो इन सब के साथ, वो दोपहर से पढ़ रहा है, कल से पढ़ रहा है, लास्ट वीक से पढ़ रहा है, या लास्ट मंथ से, तो इसके साथ भी सिंस ही आएगा, क्योंकि यहाँ दे दिया लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब हमें पता है अभी जो चल रहा है इससे पहले वाला हम पता लगा सकते हैं, तो लास्ट वीक या लास्ट मंथ से पढ़ रहा है, तो बचपन बर्थ से पढ़ रहा है, जन्म लिया तब से पढ़ रहा है, लेकिन फॉर द लास्ट, ठीक है, इन सब के साथ में सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट पेज, बस ये हमारा लास्ट टेंस है आज का, यही पढ़ेंगे बस आज। सिंस ही केम, जब से वह आया है वो तब से ही पढ़ रहा है, सिंस ही वेंट, वो जब से वहां गया है पढ़ाई कर रहा है, तो ठीक है, इन सब के साथ में हम सिंस लगाएंगे। अब फॉर कहाँ कहाँ लगाते हैं, फॉर भी देखो, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि मतलब समय की अवधि, की 3 घंटों से पढ़ रहा है, 2 वीक से पढ़ रहा है, कौन से 2 वीक है, अगर लास्ट होता लास्ट 2 वीक मतलब पिछले 2 वीक से, तो सिंस लगाते, लेकिन कौन से 2 वीक पता नहीं रखा, कौन से 2 वीक, कौन से 7 महीने, कौन से 2 साल, तो फॉर 2 ईयर्स, इन सबके साथ में फॉर लगेगा, सिंपल। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट लगा दो बस यहाँ पे, हैज नॉट बीन बीच में, फिर ये सब एज इट इज है, सिंस फॉर फिर टाइम। जैसे आई हैव नॉट बीन वॉचिंग फिल्म फॉर इयर्स, ट्रेन हैज नॉट बीन प्लेइंग इन, मैं वर्षों से फिल्म नहीं देख रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग फिल्म फॉर इयर, ट्रेन हैज नॉट बीन फ्लाइंग इन कश्मीर वैली सिंस 1947, कश्मीर घाटी में 1947 से ही रेलगाड़ी नहीं चल रही है, फ्लाइंग मतलब यहाँ पे नहीं चल रहा, तो नॉट का यूज बीन से पहले करें, शेष नियम उपयुक्त अनुसार, या नॉट यहाँ लगाना है बस। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगा दो, इंटरोगेटिव में पहले आ जाएंगे, हैज और हैव पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर बीन आ जाएगा इधर, और डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट फिर बीन, ये स्ट्रक्चर दे रखी है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा हैज शी बीन रिसीविंग द ट्रेनिंग फॉर डांस फॉर इयर्स, क्या वह वर्षों से नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, इसमें टाइम दे रखा होगा, देखो वर्षों से कर रही है, जब मतलब काम के स्टार्ट होने का टाइम दिया होगा कि वो सुबह से पढ़ रही है, ये ध्यान रखना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट भी आएगा और क्वेश्चन भी आएगा, तो हैज नॉट हैव नॉट पहले लगा दो बस, और ये क्वेश्चन लगा दो यहाँ पे। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं बस, बहुत हो गया है यूजेस, ये मेन है अपने यूजेस, बस इसके यही यूजेस, 3 ही यूजेस हैं बस, इसके बाद एक्सरसाइज, ये 3 यूज ध्यान में रखने हैं बस, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर बाकी का कल पढ़ेंगे। क्लास यूज यूज देखो, अब इसके यूजेस देखते हैं, ये 3 यूजेस हैं, ये 3 यूजेस ध्यान में रखने, यूजेस ध्यान में रखने, सौरभ मैंने सब कुछ तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज रखी है फोटोज सारी। विद एन एक्शन बिगैन,
sometime in the past, जो act, जो कार्य है वो पास्ट में बिगेन हुआ था, कि मतलब वो सुबह से पढ़ रही है, अब जैसे शाम हो गई और मैं कह रही हूँ कि वो सुबह से पढ़ रही है, तो पास्ट में स्टार्ट हुआ है ना काम को, पास्ट सुबह तो पास्ट हो गया, बीत गया सुबह, तो शाम चल रही है अब, तो पास्ट में जो एक्शन है, जो कार्य है, वो पास्ट में बिगेन मतलब स्टार्ट हुआ है एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यू, पर अभी तक वो काम जारी है, वो सुबह से पढ़ाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसे कार्य के साथ जो भूतकाल में किसी समय आरंभ हुआ और अभी भी जारी है, मैं 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो उन इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वे साधु आधे घंटे से भजन गा रहे हैं, तो काम कब स्टार्ट हुआ, आधे घंटे से गा रहे हैं, तो those saints have been singing hymns for half an hour, ठीक है। तो ये भजन होता है, तो होता है भजन, हिम बोलते हैं, इसमें एन साइलेंट होता है, सौरभ। दे हैव बीन सिंगिंग हिम सिंस फॉर हाफ एन आवर, अ रिलीजियस सॉन्ग दैट क्रिश्चियंस सिंग टुगेदर इन अ चर्च एटसेट्रा, धार्मिक गीत चर्च आदि में गाया जाने वाला मंत्र श्लोक, मतलब एक तरह का गीत है, ठीक है, धार्मिक रिलीजियस सॉन्ग होता है, तो हिम बोलते हैं, इसमें एन हमारा साइलेंट होता है। तो कहाँ थे हम, तो सेंट्स हैव बीन सिंगिंग हिम्स फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। आप कब से बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, सेकंड हमें याद रखना है, फर्स्ट तो हमें ये समझ में आ गया, सेकंड याद रखना है, विद द एक्शंस बीइंग रिपीटेड बाय नाउ, अब तक रिपीट किए जा रहे एक्शंस के साथ, रिपीट किए जा रहे एक्शंस, जैसे वे भौतिक विज्ञान की सायकालीन कक्षाओं में जा रहे हैं, दे हैव बीन गोइंग फॉर फिजिक्स इवनिंग क्लासेस, विद द एक्शन सिचुएशन जस्ट स्टॉप्ड, कोई काम अभी खत्म हुआ हो, हाल ही बंद हुए कार्य स्थिति के साथ, मेन तो फर्स्ट वाला याद रखना है, ये दो भी याद रख लेना, विद द एक्शंस और सिचुएशन जस्ट स्टॉप, कोई भी काम हाल ही में बंद हुए कार्य स्थिति के साथ, कोई भी काम या कोई स्थिति अभी जो बंद हुई है, तो उसके साथ भी इसका यूज कर लेते हैं। चलो अब ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, बस अब ये हमारी एक्सरसाइज, ये रीड करो सौरभ। रीड करो सौरभ, supply the correct forms of verb given in brackets using present perfect continuous tense, यहाँ लिख दिया है, present perfect continuous tense का मतलब है हमें has been और have been का use करना है और verb के साथ ing लगाना है, बस ठीक है, करो read, बताओ। They have been building a bridge for over a year and it still is not finished. They have been building a bridge for over a year and still isn't finished. मतलब कोई सालों से वो लोग ब्रिज बना रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने बनाया नहीं, तो ये बता रखा है कि ये ब्रिज कब से बना रहे हैं, सालों से बना रहे हैं ये लोग,
काम के स्टार्ट होने का टाइम हमें दे दिया है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू है. नेक्स्ट रीड करो. She has been learning computer for 6 months and she has not learned much yet. 6 महीनों से कंप्यूटर सीख रही है, ठीक है. कब से सीख रही है? 6 महीनों से. किसी भी काम के काम का एक्शन का बिगन हुआ, कब बिगन हुआ वो दे रखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू सब में यही होगा. इसमें करो सारे. नेक्स्ट कर बताओ. The children have been sleeping all the afternoon. पूरी दोपहर मतलब बच्चे सो रहे थे. Fourth, the pipe has been leaking for ages. We must get it repaired. तो पाइप है वो लीक हो रहा है एजेस, मतलब कई सालों से पाइप जो है वो लीक हो रहा है लेकिन अभी तक किसी ने सही नहीं करवाया उसको, तो वी मस्ट गेट इट रिपेयर, तो हमें उसको सही करवाना चाहिए, ठीक है. तो फॉर एजेस, ये इन सब से हमें पता चल रहा है कि ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ये जो अंडरलाइन है ना, इन सबसे पता चल रहा है, ठीक है. आगे बताओ. Fifth, I have been discussing sausage. I have been making sausage. एक तरह का मतलब ये food होता है जो meat, meat mass से बनता है sausage. ये देखो लंबी पतली शक्ल से बना मसालेदार गोश्त जिसका छोटा टुकड़ा ठंडा खाया जाता है और पूरा टुकड़ा पका कर गरम. ये देखो, अ मिक्सचर ऑफ मीट कट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस स्पाइसेस. मिक्सचर ऑफ मीट, एक तो मीट होगा बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है और उसके अंदर स्पाइसेस मसाले मिक्स कर रखे हैं, ठीक है. तो मिक्सचर ऑफ मीट और मसालों का मिक्सचर, मीट में मसाले मिला रखे हैं, छोटा छोटा मीट काट के उसमें मसाला. दैट इज मेड इनटू अ लॉन्ग थिन शेप. सम सॉसेजेस इज ईटन कोल्ड इन स्लाइसेस, अदर टाइप्स आर कुक्ड एंड देन सर्वड होल. मतलब एक तरह का मीट होता है, ठीक है ना, सॉसेज फूड होता है एक तरह का, ठीक है. आगे करो रीड. So I have been making sausage rolls for the party all the morning. मतलब मैं पूरे morning में यही कर रही थी, बना रही थी sausage rolls, बना रही थी party के लिए. We have been discussing about it for 2 hours. हम इसके बारे में 2 घंटे से discuss कर रहे थे, ठीक है. आगे बढ़ो. Next, the radio has been playing since 7 a.m. I wish someone could switch it off. तो रेडियो है वो 7 बजे से चल रहा है. अब मैं चाहता हूँ कि कोई उसे बंद कर दे, ठीक है. I have been working with him for 10 years and he has never greeted me. मैं उसके साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन उसने कभी मुझे greet नहीं करा, मतलब wish नहीं करा कभी भी कि good morning sir, इस तरह से कभी wish नहीं किया, greet नहीं किया, ठीक है. आगे. Ninth read करो सौरभ. I am sorry to keep you watching. Waiting. I have been trying to make a telephone call to Mumbai for some time. So I am sorry to keep you waiting. आपको इंतजार करवाने के लिए sorry. I have been trying to make a telephone call to Mumbai for some time. तो मैं मुंबई में टेलीफोन कॉल कर रहा था, तो sorry आपको वेट करवाने के लिए. 10th read करो. Her telephone
हर टेलीफोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स आई वंडर व्हाई शी डजंट आंसर इट। हाँ, तो उसका जो टेलीफोन है वो 10 मिनट से रिंग कर रहा है, 10 मिनट से बज रहा है, मुझे आश्चर्य है कि वो उठा क्यों नहीं रही, वो आंसर क्यों नहीं करती उसको टेलीफोन को। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक ये इसके सॉल्यूशन ये रहे सारे, तो ये कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, कल स्टार्ट करेंगे पास्ट, आज यहीं तक, कल हम पास्ट स्टार्ट करेंगे।